तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सॉरी गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सके मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और हमने लगभग एक लेक्चर ख़त्म कर दिया, मतलब मिनिमम हाफ तक हो गया है। तो अभी और कर लेते हैं गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल। द शेप और साइज होता है सेल का, वो रिलेटेड करता है, रिलेटेड है कि जो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं और उनका अलग अलग साइज़ होते हैं। जैसे सम सेल्स लाइक एनी एमीबा, जैसे कुछ सेल होते हैं वो अपना चेंजिंग शेप, उनका शेप चेंज होता रहता है। इन सम केसेस जो है कोई सेल का शेप बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और पर्टिकुलर टाइप अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। टिपिकल शेप मतलब एकदम स्मॉल शेप, एकदम टिपिकल शेप है, मतलब एकदम मतलब कॉमन रहता है, वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं, अलग अलग शेप रहते हैं। तो ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी, हर एक लिविंग सेल की कैपेसिटी होती है, उनका एक बेसिक फंक्शन होता है, उनका अलग अलग एक बेसिक फंक्शन होता है जो वो करते हैं, और उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग होता है, सबका कैरेक्टरिस्टिक होता है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हमें ये पता है कि डिवीजन है लेबर का, मतलब अलग लोगों का डिवीजन, मतलब लेबर किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, सच एज ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में सब अलग अलग है। ठीक है, तो दिस मीन दैट, ये क्या इसका मतलब क्या आता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग अलग फंक्शन डिफरेंट होता है, सबके फंक्शन सेम तो हो नहीं सकते। जैसे ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट होता है उनके पास, हमारे पास, तो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और स्टमक जो है डाइजेस्ट करता है फूड को, एंड सो ऑन, आगे भी होता रहता है, फंक्शन होता रहता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। सिंगल सेल में भी ये होता है, इनफैक्ट क्या होता है, ईच सच सेल हैज़ गॉट अ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, उसे सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सबके पास अलग स्पेसिफिक रहता ही रहता है ऐसा कंपोनेंट जो ये सब परफॉर्म करे। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक, मतलब अलग ईच मतलब कुछ सारे जो हैं, सारे काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, मतलब सारे जितने भी हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनके पास स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन सेल, मतलब एग्जाम्पल है कि वो मतलब नया मटेरियल बना रहे हैं सेल में, वेस्ट मटेरियल को क्लीन कर रहे हैं सेल में से, सबके अलग अलग होते हैं, तो सो ऑन आगे भी देख सकते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइज, सेल की वजह, सेल इसी की वजह से अच्छे से मतलब जी पाता है और परफॉर्म कर पाता है सारे फंक्शन, सेल ऑर्गेनाइज की वजह से वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और जी पाता है। दिस ऑर्गेनाइज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट, ये सब ऑर्गेनाइज जो है टुगेदर जब साथ में आते हैं तो उन्हें हम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल का नाम दर्जा दिया जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनाइज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एकदम अलग सी चीज़ है कि सारे सेल जो है सेम ऑर्गेनाइज के होते हैं। टू मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज, व्हाट देयर मतलब ये मैटर, इसका मैटर नहीं होता कि क्या उसका फंक्शन है और कहाँ किस ऑर्गेनिज्म में वो मिलता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। इफ वी स्टडी सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, के अंदर अगर हम सेल को पढ़े, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स मिलेंगे हमें ऑलमोस्ट। देखिए गाइस, मेरा आगे पीछे हो गया, आई थिंक थर्ड पेज पे हूँ मैं, हाँ वैसे एक मिनट जो है, 3 वो होते हैं, जैसे कि हो गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटो, हर सेल में दिखा जाएगा। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल जो है ये सब परफॉर्म करते हैं, मतलब मिलते हैं, इसके अंदर रहते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ अ सेल विथ
इस एनवायरनमेंट, ये सब फीचर्स की वजह से ये हो पाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की जो कवरिंग है ये उसकी सेल की है, सेल की सबसे बाहर की कवरिंग है। और द कंटेंट्स ऑफ सेल प्रोमिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटेंट्स जो है वो परफॉर्म देखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अलाउ करता है एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, जैसे कि बाहर और अंदर जाने का जो जो भी वो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट मूवमेंट ऑफ सम वो सब मूवमेंट मतलब कुछ अदर अलग टाइप के मटेरियल्स की मूवमेंट को रोकता है। और द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज अ कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसीलिए जैसे हम इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, सपोर्ट नहीं दिख रहा बस सब्सक्राइब करो यार।